बिली नाम का एक गरीब बेघर था जिसे खाना भी मुश्किल से मिलता था। वो हाथ में कप लेकर लोगों से भीख मांगता रहता था। वो बस इतने पैसे चाहता था कि उसे कभी सड़क पर भूखे ना सोना पड़े। कुछ मदद कर दो बेटा। पर वो कहां जानता था कि अब वो जिस लड़की से मिलने वाला है वो उसकी जिंदगी बदलने वाली है। ये आपके लिए है, कुछ खा लीजिएगा। शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे सड़क पर नहीं सोना पड़ेगा। पर तुमने मुझे इतने पैसे क्यों दिए? मेरा मानना है कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। रुको, अपना नाम तो बताओ बेटा। मैं हूँ सैरा, सैरा डार्लिंग। मैं यही पास में काम करती हूँ, आपसे मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया, खुश रहो बेटा। ये तो रिंग है। बिली समझ गया कि जब सैरा ने उसे पैसे दिए तो गलती से पैसों के साथ उसकी वेडिंग रिंग भी कप में गिर गई। बिली सैरा के पीछे भागा, उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की ताकि रिंग लौटा सके। बिली ने उसे हर जगह तलाश किया पर वो उसे कहीं भी नहीं मिली। जब उसे लगा कि अब सैरा नहीं मिलेगी, उसी वक्त उसे सामने एक दुकान नजर आई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अंदर जाने का फैसला किया। हेलो, कुछ चाहिए आपको? आप बता सकते हैं ये रिंग कितने की है? बताता हूं, 3,00,000 रुपये। इसके मैं आपको 3,00,000 रुपये दे सकता हूँ। 3,00,000 रुपये? ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे तो कई महीनों तक सड़क पर नहीं सोना पड़ेगा। एक सेकंड, ये लो 1,00,000, 1.5 लाख, 2,00,000 और ये 3,00,000। मेरा मानना है कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। क्या हुआ, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए क्या? दरअसल अब मुझे नहीं बेचनी है, माफ कीजिएगा। बिली ने इतने पैसों को ठोकर मार दी और फिर से सैरा को तलाश करने में जुट गया। वो यहाँ वहाँ सैरा को ढूंढ रहा था तभी अचानक उसे एक बात याद आ गई। मैं यही पास में काम करती हूँ, आपसे मुलाकात होती रहेगी। एक बार फिर वो सैरा को ढूंढने आसपास के ऑफिसेज में जाने लगा, पर वो जहाँ भी गया वहाँ मायूसी ही हाथ लगी। लेकिन आखिरकार उसने सैरा को ढूंढ ही लिया। यहाँ कोई सैरा नाम की लड़की काम करती है? हाँ, सैरा। ओह हाय अंकल, आपको कुछ मदद चाहिए? कैसी हो बेटा, शायद ये तुम्हारी है। मेरे कप में गिर गई थी। यकीन नहीं हो रहा, आप मेरी रिंग ढूंढ लाए, इसे मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। आप इसे लौटा रहे हैं? इसके बदले तो आपको काफी पैसे मिल जाते, फिर भी आप लौटा रहे हैं? तुमने मेरी मदद की थी तो मैं इसे कैसे रख लेता? वैसे भी एक प्यारी बच्ची ने कहा था, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, इसे याद रखूंगी। खुश रहो बेटा। क्या बात है, तुम्हें उनकी मदद के लिए कैंपेन चलाना चाहिए,
लोग ये कहानी सुनेंगे तो उनकी मदद जरूर करेंगे। आइडिया अच्छा है। सैरा ने बिली की मदद करने के लिए गो फंड मी पेज बनाने का फैसला कर लिया। उसने रिंग लौटाने की सारी कहानी उस पेज पर बयां की और ये कहानी इतनी तेजी से वायरल हुई जिससे वो खुद भी हैरान रह गई। पूरी दुनिया से लोग बिली की मदद के लिए आगे आने लगे और कुछ ही दिनों में डोनेशन के जरिए करीब 1,40,00,000 रुपए इकट्ठा हो गए। और फिर कुछ दिनों बाद वो बिली से मिलने उसी जगह गई। हाय अंकल। ओह सैरा, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूं। सच कहूं तो इसमें करीब 3,90,726 रुपए हैं। क्या? ये सारे पैसे मेरे लिए हैं? पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या है बेटा? मैंने एक डोनेशन पेज बनाया था और आपकी अच्छाई की कहानी सबको सुनाई। पूरी दुनिया के लोगों ने मदद भेजी है, इसलिए आपको कभी सड़क पर नहीं सोना पड़ेगा। अब खुद का घर खरीद सकते हैं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना बेटा? ईश्वर तुम्हारा भला करे। आपका भी भला करे। Hey, Darman fam, I hope you loved that message. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. I appreciate you, and I'll see you in the next video.